ये है वो गाड़ी जो कुछ ही मिनटों में किसी भी मामले में घटनास्थल पर कुछ मिनटों में पहुंच जाती है, लेकिन अब यह गाड़ी आरोपी के हाथ लगी और वह उसे भगा ले गया पुलिस कर्मचारियों के सामने। जी हाँ, यह अनोखा मामला यमुनानगर में सामने आया है। जब 112 नंबर पर एक सूचना आई कि यमुनानगर के खुर्दी गांव में पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, यह गाड़ी चली गांव खुर्दी में, रास्ते में खंडवा मोड़ पर कोई झगड़ा हो रहा था, उसी को लेके पुलिस कर्मचारी वहां रुके। एक व्यक्ति को गाड़ी में बिठाया गया, वह व्यक्ति पिछली सीट पर बैठ गया और जैसे ही यह गाड़ी खुर्दी गांव में पहुंची, पुलिस कर्मचारी उतरे पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन पीछे बैठा यह आरोपी गाड़ी को भगा कर ले गया पुलिस कर्मचारियों के सामने, और वह भी कम से कम 10 किलोमीटर दूर हुड्डा के सेक्टर 18 के सुनसान इलाके में इस गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। कुछ लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति गाड़ी से निकला है, उसने चाबी आसपास के जंगल के इलाके में फेंक दी। अब पुलिस कर्मचारी उसी चाबी की तलाश कर रहे हैं, कोशिश हो रही है आरोपी को पकड़ने की। DSP कंवलजीत सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान हो चुकी है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, कई टीमें उसको पकड़ने के लिए लगा दी गई हैं। सुनते हैं DSP की जुबानी, घटना कैसे हुई, किस तरह से वह इस गाड़ी को भगा कर ले गया, आप भी सुनिए। तो हाँ, यही जाएगा अभी, तो मैं जरा बैठा हूँ, वो बाइट दे रहे हैं मुझे। ओके, ठीक है। एक हमारी ERV थी 681 नंबर, इसको एक इवेंट आया था कि खुर्दी गांव जो कि सदर थाना के एरिया में पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पे पहुँचो। जो हमारी गाड़ी वहाँ पे जा रही थी, जो कि फरकपुर थाना की ERV थी, जो कि फरकपुर के एरियाज में वर्क कर रही है, तो वहाँ पे रास्ते में खंडवा मोड़ पड़ता है हाईवे के ऊपर, वहाँ पर कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो लोगों ने रोक लिया, अब ये झगड़ा कर रहा है। एक लड़का था जो कि किसी साइकिल वाले के साथ मारपीट कर रहा था, तो इन्होंने उसको बीच में बिठा लिया। तो ये आगे इवेंट पे जब पहुँचे हैं खुर्दी गांव में, तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ को जैसे समझाने लगे उतर के, इन बिटवीन ये पिछली सीट से पे बैठा हुआ था लड़का, तो एकदम आगे सीट पे बैठ के और ये गाड़ी को आगे ले गया। हाँ, ये वहाँ से निकला है, जैसे फिर ये शहर की तरफ आ गया, जैसे इसके पीछे लग गए थे मोटरसाइकिल में हमारे मुलाजिम, तो इसको फिर ये गाड़ी छोड़ के सेक्टर 18 में भाग गया। हाँ, लड़का आइडेंटिफाई हो गया उसके, हम कर रहे हैं, जल्दी कर लेंगे हम इसको कवर। इसके लिए हमने अपने CID वगैरह लगा दी हैं, हमारी क्राइम टीम इसके पीछे लगी है, हम जल्दी इसको कवर कर लेंगे। इसमें कमी नहीं है जो फालतू मुलाजिम एक आदमी बैठे ही रहे? अचानक कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं, बाहर पब्लिक को समझाने के लिए जो ड्राइवर उतर गया जैसे, तो गाड़ी बीच में लगी होने के कारण, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा गया। बिटवीन जैसे VT होने में और आगे से आगे कम्युनिकेशन पहुंचने में सभी तक तो इतना टाइम लगा, तो हमारे मुलाजिम तो फिर गाड़ी छोड़ के थोड़ा, अब शहर होने के कारण गैप आ ही जाता है।